दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि अगर पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वो है मंगल ग्रह। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें केवल और केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो। उनके अनुसार ब्रह्मांड पर और भी ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिसमें जीवन पनपता है, जीवन जिया जाता है, और वो हमारे जैसे हैं या नहीं ये तो नहीं पता, पर वो जीवित अवश्य होंगे। फिलहाल कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से यात्रा करके ही आया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था? उसका जीवन कैसे और कब नष्ट हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। इसीलिए आज हम इस विषय पर बात करेंगे और जानेंगे आखिर कैसे कैसे हालात रहे होंगे जिन्होंने मंगल ग्रह को बेजान कर डाला लेकिन पृथ्वी पर जीवन को भेज दिया। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि सभी ग्रहों का जन्म तारे से होता है और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह भी हमारे सूर्य से ही जन्म लेते हैं। अब हमारा सूरज सबसे गर्म पिंड है, इसलिए इसमें जन्मे सभी ग्रह भी बेहद गर्म रहे होंगे, लेकिन ग्रहों के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया करोड़ों साल तक यूं ही चलती रही। मंगल ग्रह जो कि पृथ्वी से काफी छोटा है और सूर्य से भी इसकी दूरी कहीं ज्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले ही आदर्श तापमान बन गया था। जब जन्म के करोड़ों साल बाद भी हमारी पृथ्वी एक भट्टी की तरह तप रही थी, तब मंगल ग्रह पर अच्छा तापमान था और वहां पर स्वच्छ पानी के सागर बहने लगे थे, और अतीत में पानी बहने के सबूत हमारे खोजियानों ने भी ढूंढ निकाले हैं। हमें मंगल पर पानी होने के सबूत मिले हैं। मंगल के इन्हीं महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया जन्म लेने लगे और किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में ही होती है, जबकि बड़े जीव बनने के लिए फिर उन्हें एक लंबा समय तय करना होता है, एक लंबी यात्रा से गुजरना होता है, जबकि मंगल ग्रह पर उन्हें वो समय नहीं मिला क्योंकि तभी एक एस्ट्रॉयड तेज गति से होता हुआ मंगल ग्रह से टकरा गया, जिससे हजारों परमाणु बम के बराबर उस एस्ट्रॉयड से ऊर्जा निकली और उससे मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा समाप्त हो गया। इस टकराव से मंगल ग्रह के बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो गए। उसी समय एक और ग्रह घूमता हुआ हमारी पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए। हाँ, ये बात और है कि तब पृथ्वी पर कोई जीवन था ही नहीं, तो उस टक्कर से पृथ्वी के जो टुकड़े हुए उनमें से एक टुकड़े पर तो हम रहते हैं और जो बचा दूसरा टुकड़ा उसे हम आज चांद कहते हैं। इसलिए हिंदू पौराणिक ग्रंथों में पृथ्वी को चांद की बहन कहा गया है और हम पृथ्वी को माता मानते हैं, इसीलिए चंदा को मामा कहा गया है। पृथ्वी के उस ग्रह से हुई टक्कर एक अच्छा संयोग था क्योंकि उससे भविष्य में पृथ्वी पर जन्म जीने लायक परिस्थितियां बनने वाली थी। साल 2014 में नासा के रोवर्स ने मंगल ग्रह की एक जबरदस्त तस्वीर ली थी, क्योंकि इस तस्वीर में गोल पत्थर दिखाई दिए थे जो कि हजारों साल पानी बहने के कारण बनते हैं। साथ ही तस्वीर में काफी सारे दर्रे और नदी रूपी संरचनाएं भी थी, जिसको देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि एस्टेरॉयड की टक्कर के बावजूद भी मंगल की धरती के अंदर पानी तरल रूप में रहा होगा, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने के कारण भाव की अवस्था में बाहर निकला। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह पर अनगिनत ज्वालामुखी हैं। एवरेस्ट की चोटी से 3 गुना ऊंचा मंगल का ओलंपिस पर्वत भी असल में एक ज्वालामुखी ही है। जलवाष्प के रूप में ज्वालामुखियों ने जब पानी बाहर फेंका तो मंगल पर बादल बने, जिससे बारिश हुई, जिससे एक बार फिर से मंगल ग्रह पर जीवन पनपने लगा। लेकिन ये दूसरी बार पनपने वाला जीवन भी यहां लंबे समय तक नहीं चल सका, क्योंकि सूर्य से ही ज्यादा दूरी होने की वजह से मंगल ग्रह तब काफी ज्यादा ठंडा हो गया था और उसका पानी बर्फ में जम गया था। मंगल ग्रह पर अत्यधिक ठंड होने के कारण उसके बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी समाप्त होने लगे। दूसरी तरफ तभी पृथ्वी का तापमान अब सही होने लगा था और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को तब एक महत्वपूर्ण बेहतरीन स्थिति प्रदान की, जबकि ऐसी स्थिरता मंगल ग्रह पर नहीं थी क्योंकि उनके दोनों उपग्रह बेहद छोटे हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बल
मंगल ग्रह को एक धुरी पर बांधने लायक नहीं है, जबकि हमारा चंद्रमा काफी बड़ा है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी को एक तरफ झुकाकर रखता है, जिसकी वजह से यहाँ सर्दी, गर्मी और बारिश वाले मौसम बन पाते हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल मंगल ग्रह की तरह बैक्टीरिया में नहीं पनपा, बल्कि यहाँ पर समुद्रों में कई तरह के जीव विकसित होने लगे। लेकिन तब पृथ्वी के पास ओजोन परत नहीं थी, तब कोई भी जीव समुद्र से बाहर नहीं रह सकता था। लेकिन पृथ्वी पर आदर्श तापमान की वजह से बैक्टीरिया का निर्माण हुआ, जो सूरज की गर्मी को सहन कर सकते थे। उस अनोखे घटनाक्रम के जरिए बैक्टीरिया जीवन के लिए एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण करने लगे, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तब पृथ्वी पर मंगल ग्रह से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन बन गई थी, और जब सूरज की घातक अल्ट्रा वायलेट किरणें ऑक्सीजन के अणुओं पर गिरी, तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं ने अलग होकर ओजोन परत का निर्माण किया, और पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की मोटी परत बन गई, जो सूर्य से निकलने वाली घातक किरणों को सोखने का काम करने लगी। अब पृथ्वी का वातावरण काफी अच्छा हो चुका था, और यहाँ के जीवों ने समुद्र के बाहर निकलकर धरती पर रहना आरंभ कर दिया था। मंगल को जीवन पनपने के मामले में पृथ्वी तब बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, क्योंकि मंगल पर आधा अधूरा जन्मा जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। लेकिन धरती पर विशाल डायनासोर रहने लगे, जिन्होंने 16 करोड़ साल पृथ्वी पर राज किया। लेकिन यहाँ लंबे समय तक राज करना भी आसान नहीं था, इसलिए एक उल्कापिंड के गिरने से उन विशाल डायनासोर का भी अंत हो गया। इस उल्कापिंड ने पूरी दुनिया में तबाही मचाकर रख दी थी, और तापमान भी बहुत ज्यादा हो गया था। हजारों साल तक आसमान से आग की बारिश हो रही थी, और एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर हर तरफ नरक जैसा मंजर दिखाई दे रहा था, लेकिन ये घटना हमारे लिए एक वरदान साबित होने वाली थी, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। उनके अंत के साथ ही स्तनधारी जीवों की प्रजाति को आगे बढ़ने का मौका मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले, और करीब 6 करोड़ साल चले। इस बदलाव की वजह से इंसान जैसे बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हुआ। जहां पहले डायनासोर अपनी ताकत के दम पर राज करते थे, वहीं अब इंसानों ने अपनी बुद्धिमानी के दम पर राज करना आरंभ कर दिया। हमने यहां मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करना सीखा, और आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि धरती के किसी भी प्राणी का आसानी से खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप मानते ही होंगे कि जीवन की संरचना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन केवल ऐसे ग्रहों पर पनपता है जहां परिस्थिति आदर्श हो और तापमान इतना आदर्श हो कि जल तरल अवस्था में रह सके, जहां हमारे चांद जैसा एक बड़ा उपग्रह भी हो जो अपने ग्रह को एकदम स्थिर रखे, जहां ओजोन लेयर हो जो सूरज की हानिकारक किरणों से बचाए रखे, और जिस ग्रह की अपनी चुंबकीय शक्ति भी हो ताकि सौर तूफान के जीवन सुरक्षित रह सके। भले ही दोस्तों ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हों, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसी आदर्श परिस्थितियां बहुत कम ग्रह पर रही होंगी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इस ब्रह्मांड में केवल हमारा ही ग्रह ऐसा है जहां अच्छा तापमान है, लेकिन उन ग्रहों पर एलियन भी वैसे ही राज करते हैं जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं। जब तक पृथ्वी पर आदर्श परिस्थितियां रहेंगी, तब तक हम इंसान ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हालात भी ऐसे कब तक रहेंगे? क्योंकि ऐसे अनेक कारण हैं जिससे फिर से पृथ्वी के हालात बिगड़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, और डायनासोर की तरह हमारा भी खात्मा हो जाएगा। क्या पता किसी एस्ट्रॉइड से हमारी पृथ्वी टकरा सकती है, या फिर किसी घातक वायरस से हमारा अंत हो सकता है, या फिर हम इंसान ही परमाणु बम और जैविक हथियार का इस्तेमाल करके जीवन का खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी पृथ्वी से जीवन खत्म जरूर होगा, लेकिन यह भी सच है कि हम इंसानों का पूरी तरह से इस धरती से सफाया नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इंसान इस धरती पर केवल 2 लाख सालों से ही हैं, जबकि यहाँ जीवन अरबों सालों से, जिसमें पृथ्वी ने हजारों मुसीबतों का सामना किया है और अनेकों बार यहाँ जीवन नष्ट हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन पनपा है, यानी जीवन हालात के हिसाब से खुद को बदल लेता है। इसलिए अब कोई अगर घटना पृथ्वी पर होती है तो उससे भले ही हमारा खात्मा हो जाए, लेकिन जीवन को उपजाने वाली परिस्थितियां यहाँ स्थायी रूप से खत्म नहीं होंगे, और यहाँ एक बार फिर से जीवन पनपेगा, ठीक जैसे आज हम यहाँ पर राज करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर किसी का राज होगा। ये प्रक्रियाएं शुरू से चलती आई हैं और आगे भी चलती रहेंगी। यहाँ ये बात भी है कि एक न एक दिन पृथ्वी का अंत जरूर होगा, और इसकी वजह बनेगा हमारा सूर्य, जो हमें जीवन देता है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का भंडार है, और जैसे जैसे इसका ईंधन खत्म हो रहा है,
वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ने लगा है। 2 अरबों साल बाद सूरज 15% बढ़ चुका होगा और तब पृथ्वी काफी ज्यादा गर्म हो चुकी होगी और यहां से जीवन पूरी तरह से समाप्त होना आरंभ हो जाएगा। और जब सूरज का ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब इसका आकार पूरी तरह से बढ़ जाएगा। उस समय सूरज का फैलाव हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाएगा और हमारी पृथ्वी पिघल कर सूरज में समा जाएगी। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी पृथ्वी अमर नहीं है। हर जिस तरह किसी भी चीज का जन्म होता है ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी का भी जन्म हुआ है और जिसका जन्म हुआ है उसका अंत अवश्य है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।